बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुमैरास किचन। व्यूअर, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, ट्राइड टेस्टेड एंड मोस्ट ऑथेंटिक पिशावरी दुम्बा कढ़ाई, जो कि बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ हम बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम लेंगे 1 kg लैम मीट, यानी दुम्बे का गोश्त, और ये मिक्स गोश्त है, हड्डी वाला भी और हड्डी के बगैर भी। तो मेरे पास ये फ्रीज फॉर्म में है, इसलिए मैं इसे प्रेशर कुकर में थोड़ा सा कुक करूँगी। अगर आपके पास फ्रेश गोश्त है बिल्कुल, तो उसको बिल्कुल भी प्रेशर कुकर ना लगाएं। अभी देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। 1 teaspoon साल्ट हम डालेंगे इसमें भर के, और साथ डालेंगे गार्लिक वाटर 2 glass। गार्लिक वाटर इस तरह से बनाएं कि 1 tablespoon आप गार्लिक पेस्ट लें और 2 glass पानी के अंदर इसको मिक्स करके 5-7 minutes के लिए रख लें। अब हम इसको गोश्त के अंदर डालेंगे और इसको सिर्फ 7-8 minutes के लिए प्रेशर कुकर लगाएंगे और कुक करेंगे, हल्का सा टेंडर करेंगे सिर्फ, वो भी इसलिए क्योंकि फ्रीज फॉर्म में है। अगर आपके पास फ्रीज फॉर्म में नहीं है गोश्त, बिल्कुल फ्रेश है, तो आप प्रेशर कुकर का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसको इसी तरह से कढ़ाई में थोड़ा सा पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए। अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो इसमें मैंने लिया है 2 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 8 से 9 हरी मिर्च, इस तरह से आप लंबी लंबी काट लें, 1/2 kg टमाटर लिए हैं, इनको आप छिलका नहीं उतारेंगे, इसी तरह से आप 2-2, 3-3 pieces करके रख लें। खुश्क धनिया क्रश किया हुआ 3 tablespoon, चिली फ्लेक्स 1/2 teaspoon, और ये सिर्फ फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज इसमें ज़रूरत नहीं होती चिली फ्लेक्स की, इसको हम सिर्फ काली मिर्च में बनाते हैं। और काली मिर्च है 1 teaspoon, सॉल्ट 1 teaspoon, काली मिर्च और नमक जो है वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। योगर्ट लिया है 5-6 tablespoon या 50 gram, लैम फैट लिया है मैंने 150 gram और इसको क्यूब्स में काट लिया। अगर आपके पास 200 ग्राम भी हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, आपको बिल्कुल भी घी ऐड नहीं करना पड़ेगा। 7-8 minutes के लिए हमने गोश्त हल्का सा टेंडर कर लिया है। अब हम कढ़ाई बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लैम फैट जो है वो कढ़ाई में डालेंगे, इसी तरह फैला के आप रखें, और अब जो टेंडर किया हुआ गोश्त है वो कढ़ाई के अंदर डाल दें और इसको हल्की आँच पर पकने के लिए रखेंगे, क्योंकि ये जो फैट क्यूब्स हैं ये इसी में मेल्ट हो जाएंगे। अब इसमें टमाटर रख दें आप इसी तरह से, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करें और कवर करके इसको तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पे पकने दें। इसी दौरान इसकी जो फैट है वो भी मेल्ट हो चुकी है, टमाटर का जो छिलका है वो भी बिल्कुल नरम पड़ चुका है, अभी मैं इसको रिमूव कर दूंगी इस तरह से। लैम फैट में पकी हुई कढ़ाई बहुत ही ओरिजिनल और बहुत ही मज़े का टेस्ट देती है। अब मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दूंगी, साथ ही इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे और क्रश किया हुआ कोरिएंडर ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे और चम्मच भी जब जब जरूरत फील हो तो इसको हिलाते रहें। अब सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके इसको मीडियम आंच पे पकने देंगे। हल्दी बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं सिर्फ फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दही ऐड करेंगे। लैम फैट मेरे पास थोड़ी कम थी, इसलिए मैं इसमें देसी घी भी ऐड करूँगी 5-6 tablespoon। तो इससे हमें देसी घी का मज़ा भी मिलेगा और लैम फैट का भी, डबल फ्लेवर मिल जाएगा हमें इस कढ़ाई के अंदर। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम लगे, लेकिन मैंने देसी घी ऐड किया है बिकॉज मुझे देसी घी का फ्लेवर बहुत पसंद है। अब थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके कुक करेंगे और फ्लेम थोड़ी लो कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब इसको अनकवर करके बनाएंगे। 1 glass यखनी है मेरे पास, जब हमने गोश्त को टेंडर किया तो 1 glass सूप उसका बच गया था। अब इस सूप को हम इस कढ़ाई के अंदर ही डाल देंगे और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रिच टेस्ट के साथ इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी। अगर आपके पास यखनी नहीं बचे तो आप सादा पानी भी थोड़ा सा लगा के ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें कटी हुई डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और अदरक वगैरह डालकर इसको अच्छा सा गार्निश करेंगे।
1 टेबल स्पून देसी घी मैं दोबारा से ऐड कर रही हूँ अच्छी सी तरी बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी मज़े की और कितनी शाइनी सी तरी आ गई है इसके ऊपर। थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे अच्छी सी खुशबू के लिए। जी तो हमारी मज़ेदार लैम कढ़ाई बिल्कुल रेडी है व्यूअर्स। ये बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है पिशावरी दुम्बा कढ़ाई की। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।